हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल और भूटान के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नेशनल सिंबल के बारे में बात कर ली है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम नेपाल और भूटान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा भारत है और इसके बाजू में ये दिख रहा है दोस्तों आपको नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य देश है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रीय फ्लैग की। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये नेपाल का राष्ट्रीय फ्लैग है। अब बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रगान की। तो नेपाल का राष्ट्रीय गान सही थुगड़ा फुल्का हामी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है नेपाली और नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा है नेपाली रुपया। दोस्तों यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ ले कि राष्ट्रीय गान क्या है नेपाल का, तो सही थुगड़ा फुल्का हामी ये राष्ट्रगान है। इसी टाइप से दोस्तों और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रीय खेल की। ये दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल क्या है नेपाल का, वह है वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ड्रेस क्या है नेपाल की, तो दौर सुरुवाल ये नेपाल की राष्ट्रीय ड्रेस है। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ बोधि है और नेपाल की राष्ट्रीय नदी काली गंडकी नदी है। ये दोस्तों जैसे हमारे यहाँ गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, उसी प्रकार से नेपाल में काली गंडकी नदी वहां की राष्ट्रीय नदी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी क्या है नेपाल का, तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी लीफे है। ये आप देख पा रहे होंगे, लीफे पक्षी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेक्स्ट है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो लाली गुरांस ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये सुंदर सा लाली गुरांस। नेक्स्ट है नेपाल की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो नेपाल की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। ये भी दोस्तों एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको याद रखना है नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। अब बात करते हैं नेपाल के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनकी, तो नेपाल के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। दोस्तों ये वीडियो मैं January 2020 में बना रहा हूं, तो आगे अगर यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चेंज होते हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनका नाम है खड़ग प्रसाद ओली। तो इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों भूटान के बारे में। भूटान के बारे में हम बात करते हैं, तो ये मैप में आप देख पा रहे होंगे भूटान, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। दोस्तों बात करते हैं भूटान के राष्ट्रीय फ्लैग की। तो आप देख पा रहे होंगे ये भूटान का राष्ट्रीय फ्लैग है और इसमें बीचों बीच ड्रैगन बना हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भूटान के राष्ट्रीय गान की, तो द्रुक सेंडेन ये भूटान का राष्ट्रीय राष्ट्रगान है। अब बात करते हैं भूटान की राजधानी की, तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जोधखा है, आपको ये याद रखनी है दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश है, यहाँ पर जो राष्ट्रभाषा है वह जोधखा है। अब बात करते हैं दोस्तों भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा की, तो भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा द्रुक ट्रिम है। दोस्तों यहाँ पर भारतीय रुपया भी मान्य होता है और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ताकिन। ये दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है ताकिन पशु जो भूटान का राष्ट्रीय पशु है। भूटान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो हिमालयन ब्लू पॉपी। ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना सुंदर फूल है, यह राष्ट्रीय पुष्प है भूटान का। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान के राष्ट्रीय पेड़ की, तो साइप्रस का पेड़ भूटान का राष्ट्रीय पेड़ है। ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान की संसद का नाम क्या है, तो त्सेंगड़ू। ये अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद रखनी है, भूटान की जो संसद का नाम है वह त्सेंगड़ू है।
तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट रखा है ताकि आप वीडियो देखो, दोस्तों जो लंबा वीडियो होता है आप देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए मैंने जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे या इंपोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में आपको बताया है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, और लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।